हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, 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 थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, धन्यवाद, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन को हम स्टार्ट करते हैं और प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन में खुदावंद ईश्वर राजा के प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला है, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, और प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा कि प्रभु जी इस डेली डिवोशन को खुदावंद आप आशीषित करिएगा पिता, और जबकि पिता आपकी योजना अनुसार खुदावंद हम सब आपके चरणों में उपस्थित है खुदावंद, आप हमें संभालना खुदावंद, हमारी अगुवाई रहनुमाई करना खुदावंद, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा हमारे जीवन द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती करते खुदावंद सभी अपने अजीज भाई बहनों के लिए जो समय जुड़ने जा रहे हैं पिता, ये ऑफलाइन देखेंगे खुदावंद ईश्वर राजा, उन सबको खुदावंद आपके चरणों में लाते हैं, सभी की देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, और जो प्रभु आज वचन खुदावंद ईश्वर राजा अपने दास के मुख से पिता परमेश्वर आप सुनाने जा रहे हैं खुदावंद, प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करते हैं पिता, अपने आप को हम आपकी आवाज सुनने के लिए पिता परमेश्वर तैयार है, और खुदावंद ईश्वर राजा हम सबकी देह प्राणात्मा आपका कंट्रोल रहे पिता, सारे सिस्टम को सारी व्यवस्था को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हर प्रकार की विरोधी बातें विरोधी विचार खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर दूर हो, प्रार्थना करते खुदावंद कि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर इस जगह पर हो, जहाँ जहाँ हमारे भाई बहन पिता परमेश्वर आपकी संगति में आते हैं खुदावन, उनकी जगहों पर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति बने रहे खुदावन, प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करना खुदावन, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, आमीन, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, आमीन, प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन, 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 आप सबको जय मसीह की, जय मसीह, और आपका हम स्वागत करते हैं इस डेली डिवोशन सेशन में, स्वागत करते हैं विजय भैया आपका कि आपने इस कीमती समय को दिया, खुदावंद आपको बहुत ऐसा आशीषित करे, आपके परिवार को आशीषित करे, तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे, और जैसे कि आज 15 अगस्त है और इस 75वीं वर्षगांठ में आप सबको प्रभु की ओर से आपको सामर्थ आपको आशीषें मिले, आपको बधाई मिले, और धन्यवाद दें प्रभु का कि सच में पिता ने हमें इस देश में रखा है जहाँ पर हम अपने प्रभु के कलाम को सुन पा रहे हैं और सुना पा रहे हैं, ताकि खुदावन ने इस देश में रखकर हमें परमेश्वर के कलाम को बांटने के लिए रखा है, ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ करने पाए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु का कि प्रभु ने आज दिन भर हमें संभाला, अपने इस पवित्र दिन में हमें अपनी संगति में रखा, प्रभु की आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तो आइए प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे, और जैसा कि हम कल से ही एक वचन को हम सब जगह सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8:32 में, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन मेरे प्रिय जब इससे पहले हम एक पहले वाले पद को पढ़े तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे
चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी सत्य हमें तब स्वतंत्र करेगा जब हम तीन बातों को सीखेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, उसके तब हम चेले बन जाएंगे और फिर सत्य को हम जान पाएंगे, तब सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तो आइए हम अपने प्रभु की महिमा में गीत को गाएं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा, हालेलुया। Oh, divine, my
समय के लिए और विशेषकर जबकि आज सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु आ रहे हैं, आज परमेश्वर का दिन है, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब भाई बहनों ने आज पवित्र दिन की इस महत्ता को जाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस। और मेरे प्रियो, मैं आप सबको आगरा मसीह मंडली की ओर से और अनुपम डेविड और शबनम डेविड की ओर से आप सबको 75वीं स्वतंत्रता दिवस की बधाई मिले। खुदा आप सबको को बहुत आशीष दे और हम सब आनंदित हो इस बात के लिए कि प्रभु ने 75वीं वर्षगांठ जो कि स्वतंत्रता दिवस की है उसको हम देख सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए वक्त को ना बर्बाद करें और हम जितने भाई बहन हैं उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज हमारे साथ हैं और सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और खुदा के कलाम में मैं और आप चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और 68 पद क्या फरमाता है। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वो चेलों को बोल देता जाओ, तुम भी जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन क्या है जो जानता था, पत्रस ने उस समय कहा प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, मैं कहां जाऊं, मुझे हमारे पास तो जीवन की बातें तेरे पास है, हमारे पास कुछ नहीं, तेरे पास जीवन की बात, अनंत जीवन की बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे भाई बहनों, आज मैं आपको ये बोलते हुए बड़ा उत्साहित हूं और इस समय मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हैं कि मैं क्या वाणी बोल रहा हूं परमेश्वर की, कि अनंत जीवन की बातें पत्रस ने कहा तेरे पास। हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि अनंत जीवन की बातें परमेश्वर के पास है, मेरे और आपके खुदा के पास है। तो मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विनती करता हूं कि अंतिम सांस तक आप सब जितने हमसे जुड़े हैं इस समय ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज पर और जितने ऑफलाइन देखेंगे, वो आपसे कहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी ऐसा अवसर ना आए कि परमेश्वर के वचन को आपको छोड़ना पड़े, परमेश्वर के वचन को आप ना पढ़े। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो उस कलाम में लिखी है और कलाम खुद यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पत्रस ने यीशु से कहा कि हम किसके पास जाएं? आज मैं और आप कहां जा रहे हैं मेरे प्रियो? आज मैं और आप अन्य अन्य जगहों पर भटक रहे हैं,
कहाँ जा रहे? बाबाओं के पास जा रहे, ऐसे स्थानों पर जादू टोनों को की ओर जा रहे हैं, लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। क्या विश्वास कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातों को जो बता रहे हैं उन पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया, यस। विजय भैया ने लिखा माय लव, यस, प्रेज द लॉर्ड। भैया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष दे। हाँ, वो हमारा प्यार है, वो हमारी मोहब्बत है। जीवन में पहला स्थान किसका है? प्रभु का स्थान है, खुदा के वचन का स्थान है, क्योंकि खुद यीशु मसीह हमारे पास है। कोई नहीं है पहला स्थान किसी का भी। और आज हम चर्च में, पास्टर कपिल शर्मा चर्च में भी ये बात शेयर कर रहा था कि जीवन में किसी का स्थान पहला नहीं है। सबसे पहला स्थान यीशु मसीह का है। किसका है? यीशु मसीह का स्थान है, परमेश्वर का स्थान है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का स्थान पहला होगा तो मेरे और आपके जीवन में आनंद की बातें होंगी, खुशियां होंगी। और जब वो खुशियां देता है मेरे प्रियो, तो जान लीजिए कि उनमें कभी दुख मिला के नहीं देता। हालेलुया। और वो पुत्रस कहता है यीशु से, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। सचमुच अनंत जीवन की बातें किसके पास हैं? खुदावन्द यीशु मसीह के पास। लेकिन मैं और आप अन्य अन्य स्थानों में, अन्य अन्य जगहों में अपनी शांति को ढूंढते हैं, अपनी तसल्ली को ढूंढते हैं। मेरे प्रियो, कहीं नहीं जाना है। जब भी मन घबराए, मन परेशान हो, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय क्या कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया, कितना प्यारा वायदा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी रखो। प्रेज द लॉर्ड, कितनी उत्तम बातें कही उसने। क्या मैं और आप उस पर विश्वास करें? जी हाँ, उसने वायदा किया है, मेरे पिता के पास रहने के बहुत स्थान है और मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना है, हमें उन बातों को जानना है जो अनंत जीवन की बातें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप शराब में, मैं और आप अन्य अन्य बातों में, लोगों की बातों में उलझ कर उन बातों में हम क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। लेकिन वहां शांति नहीं है मेरे प्रियो, हमारा जीवन अशांत हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बातें जो अनंत जीवन की बातें, वो यीशु मसीह के पास है, और ये बातें और कहीं नहीं मिलेंगी। यस, कहीं भी आप चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, ऐसे शांत स्थानों में चले जाइए, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, सिर्फ अनंत जीवन की बातें हमें यीशु मसीह के पास मिले। प्रेज द लॉर्ड। सच में मैं बड़ा उत्साहित हूं मेरे प्रियो, जो ये वचन में शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियां में से प्रार्थना की और 5,000 लोगों को खिला दिया। हालेलुया। कितने टोकरे बच गए? 12 टोकरे बच गए। प्रेज द लॉर्ड, 12 टोकरे बच गए। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। जहां वो कदम रख देगा वहां आशीष आ जाएंगी, वहां बरकतें आ जाएंगी, वहां जीवन में आनंद होगा, किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, वहां पर सिर्फ भरपूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। काना के विवाह में गया, दाखरस खत्म हो गया, वो पहुंचा, दाखरस की भरपूरी हो गई और उत्तम दाखरस मिला। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही है मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह होता है, हालेलुया, तो वहां पर कभी भी घटी नहीं होती, वहां कमी नहीं होती, क्योंकि वो तो भरपूरी से देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप उसके पास जाते नहीं, उससे बात नहीं करते। हालेलुया। वो क्या करना चाहते थे उस समय के लोग? उसको
क्या बनाना चाहते थे? राजा बनाना चाहते, इसलिए राजा बनाना चाहते थे मेरे प्रियो कि उनको भरपूरी से खाना मिल जाए। आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास क्या लेने आ रहे हैं? अपनी जरूरतों के लिए आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरे बच्चे की शादी अच्छी हो जाए, मुझे ये वाली ये नौकरी मिल जाए, मुझे ये घर मिल जाए, मुझे ये चीजें मिल जाए। नहीं मेरे प्रियो, बिना लालच के हमें आना हो। यहाँ पर जब उसने वो रोटियां खिलाई, लोगों को खाना खिलाया, तो लोग चलने लगे उसके पीछे और उसको राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेहनत ना करनी पड़े हमको, ये वचन सुनाए और हम रोटी खाएं। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, ताकि उनके देश में, उनके उस स्थान में जहां वो रहते थे, उस देश में कभी कभी खाने की समस्या ना आए। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 15 पद कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, उपरांतु वो लोग यीशु मसीह को क्या बनाना चाहते थे? वो यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। हालेलुया। परंतु वो तो कहां का राजा था? स्वर्ग का राजा। हालेलुया। यस, वो स्वर्ग का राजा था। वो ये जानते नहीं थे, वो तो उसमें मनुष्य देख रहे थे, चमत्कार देख रहे थे, कोई सोच रहे थे कि कोई है ये, बस। उसके चेले भी उसे नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि वो उसको गहराई से जान ही नहीं पाए। वो मंजर याद है आपको, जब नाव जा रही है, नाव जा रही है और यीशु मसीह उस नाव में नीचे के हिस्से में सो रहा है, और आंधी और तूफान आ गया, और जब आंधी और तूफान आ गया तो चेलों ने उसे जगाया, अरे प्रभु हम नाश हो जाते, हम नाश हो जाते, क्या तुझे ये चिंता नहीं है हम नाश हो जाएंगे। हालेलुया। वो चेले नहीं जान पाए जो उसके साथ 24 घंटे रहते थे, कि वो उसकी पावर क्या है, वो क्या पावर रखता है, वो क्या है। इसीलिए जो 24 घंटे चेले उसके साथ रहते थे वो नहीं पहचान पाए। इसीलिए आज मनुष्य में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को नहीं जान पा रहे, उसकी पावर को नहीं जान पा रहे, उसको नहीं जान पा रहे कि कौन है यीशु मसीह। अन्य अन्य स्थानों मजारों में जा रहे लोग, जादू टोने करवा रहे लोग, क्यों जा रहे, कहां भटक रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास जो है वो उत्तम नहीं, सर्वोत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवित है, कोई वो मूर्ति नहीं जो सुन ना सके, जो चल ना सके, जो देख ना सके। अगर उसके पास चूहा चढ़ाए तो वो चूहे को भगा ना सके। तो मेरे प्रियो, मेरा तो यीशु मसीह और आपका यीशु मसीह जीवित है, और वो जवाब देता है हाँ और आमीन के साथ। हालेलुया। वो स्वर्ग का राजा, और उसने लोगों को क्या करा? स्वर्ग की बातें सुनानी शुरू कर दी। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसकी बातें कैसी हैं? दुनियावी बातें नहीं है, भाई तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुमने क्या कपड़े पहने, ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातें स्वर्गीय बातें। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप स्वर्गीय बातें करते हैं आपस में? क्या आपके पास जब फोन आता है किसी का, तो क्या आप फोन पर बात करते हैं? क्या बात करते हैं? आज ज्यादातर लोगों की बात करने का अंदाज ये है, अरे आज तुमने क्या खाया, तुमने क्या किया पूरे दिन, तुम कैसे रहे, तुम्हें। नहीं मेरे प्रियो, इतना समय आप बर्बाद करते हैं इन बातों में, इससे अच्छा कि कोई आप ये पूछिए, क्या तुमने आज दिन भर में कलाम पढ़ा, क्या तुमने परमेश्वर से बात की, या परमेश्वर ने तुमसे बात करी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, बड़ी उत्तम बातें, बड़ी प्यारी बातें। और मैं जैसे आज सुबह भी ये शेयर कर रहा था कि यीशु मसीह का नशा, ऐसा नशा, उसकी मोहब्बत का नशा, जिसको हम बयान नहीं कर सकते मेरे प्रियो। यस, उसका नशा किसी मोहब्बत से, किसी के प्रेम से, चाहे वो माँ बाप का प्रेम हो, चाहे वो पत्नी का प्रेम हो, चाहे वो किसी प्रेमिका का प्रेम हो, मेरे प्रियो, उससे किसी से बढ़कर उसका प्रेम
सबसे बढ़कर है। हालेलुया, यस, जिसको मैं और आप बयान नहीं कर सकते। हालेलुया। और बहुत सी बातें जब वो स्वर्ग की बातें लोगों को सुनाना शुरू करी तो वो लोग उसके पास से जाने लगे। आज मेरी और आपकी भी यही हालत है। क्या हालत है वो, कि जब हम जरा सी मसीही बातें करते या धार्मिक बातें करते या वचन से संबंधित बातें करते, कहते हैं यार ये बकवास की बातें, मैं छोड़ दूंगा यार, हर समय बाहर से मैं यार ये बातें मत किया करो। ये है मेरे और आपका तरीका। जो लोग हम लोग साथ रहते, मैं जानता हूं मेरे स्टाफ में भी मेरे साथ है बहुत से लोग, अरे यार हर समय ये बातें अच्छी नहीं लगती, ये बातें हर समय मत करा करो यार। मेरे प्रियो, लेकिन इन्हीं में तो जीवन है। वो नहीं जानते इन बातों में कि इनमें ही जीवन है। वो अनंत जीवन की बातें हैं और वो लोग पाना नहीं चाहते। यस, वचन में लिखा है तुम आना नहीं चाहते और तुम पाना भी नहीं चाहते। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, जब मैं और आप आएंगे उसके पास तभी तो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन बातों और लोग जाने लगे उसके पास से, यीशु मसीह के पास से। कौन रह गया? उसके 12 चेले रह गए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 12 चेले रह गए उसके पास। और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर पत्रस ने पलट कर कहा प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। हम कहां जाएं? मेरे प्रियो, आज आप इसीलिए सब लोग यहां पर ऑनलाइन बैठे हैं कि आप के पास, आप अनंत जीवन की बातों को जानना चाहते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। आप ऐसे नहीं आए, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसके साथ संगति करते हैं, इसीलिए आप आए हैं। नहीं तो लोग आज 15 अगस्त में बाहर घूमने गए हुए हैं, आज लोग 15 अगस्त में आनंद मना रहे हैं घरों में, लाइटिंग देखने जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने इस बात को जाना कि अनंत जीवन की बातों को हम जाने, आप प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, तभी तो आप जुड़े हैं सच में। नहीं तो आप लोग यहां नहीं आते। सच मानिए मेरे भाई बहनों, नहीं आते आप दुनिया में कामों में उलझ जाते हैं। सच में, हालेलुया, आप प्रभु से प्रेम करते हैं तभी तो यहां आए हैं। सबके पास 70-80 साल का सांसारिक जीवन है और उस जीवन में यही बातें हैं, घर की, इसकी, उसकी, जो 70-80 साल जो हम लोग जी रहे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, लेकिन जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह के पास सियोन की बातें हैं, स्वर्ग देश की बातें, यस, हालेलुया, उत्तम बातें हैं उसके पास, अनंत काल की बातें हैं उसके पास, जीवन की बातें हैं। क्या मैं और आप जीवन की बातों को सीखना चाहते हैं? क्या मैं और आप जीवन की बातों में चलना चाहते हैं? हालेलुया। अब सवाल ये उठता है मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास अब ये चुनाव करने का समय है कि मुझे क्या चुनना है, जीवन, अनंत जीवन की बातें या सांसारिक बातें। पत्रस को समझ में आ गया उस समय। पत्रस ने कहा यीशु मसीह हम आपके पास से नहीं जाएंगे, हमारे अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है, और वो रुक गया उसके पास। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े दिन का दिखने वाला संसार या अनंत काल का जीवन क्या लेना चाहेंगे हम? हालेलुया। अब चुनाव मेरे प्रियो आपके और मेरे हाथ में, स्वर्ग अनंत काल का है और आज हमको क्या चाहिए, थोड़े दिन के दिखने वाला संसार या अनंत काल का जीवन? मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:18 कहता है संसार या अनंत काल का जीवन क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यस सिस्टर, रेणुका सिस्टर ने लिखा इटर्नल लाइफ,
Yes, sister, आप जानती हैं इस बात को. Praise the Lord. प्रभु आपको बहुत आशीष दे. Yes, हमको प्रभु की उन बातों को सीखना है. Praise the Lord. Hallelujah. सच में मेरे प्रियो, अनंत काल के स्वर्ग का मालिक कौन है जानते हैं ना? यीशु मसीह है. कोई मनुष्य नहीं, कोई देवी देवता नहीं, वो स्वयं सृष्टि करता है. यीशु मसीह हमारे हमारे स्थान का मालिक है. यस, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:30 कहता है, संसार का मालिक कौन है? दुष्ट है, शैतान है. आपको कौन चाहिए, मुझको कौन चाहिए? अब ये मुझे और आपको निर्णय करना है. ये बड़ा सवाल है. पत्रस ने अनंत जीवन के लिए राजा यीशु को पसंद किया और वो यीशु मसीह के पास रुक गया. प्रेज़ द लॉर्ड, उसने ये बात जान ली. हालेलुया. जब चेलों को जेल में डाल दिया गया, तब स्वर्गदूतों ने जेल से क्या कर दिया? आजाद कर दिया. यस, ऐसे ही आजाद नहीं हो गए. प्रभु यीशु मसीह के प्रेम ने उनको आजाद किया और कहा, जाओ. हालेलुया. प्रेरितों के काम 5:20 कहता है, जाओ और मंदिर में खड़े होकर जीवन की बातें लोगों को सुनाओ. हालेलुया. मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज जो आप लोग प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, पेजों पर प्रचार चल रहा है, वो जीवन की बातें बताई जा रही हैं. हालेलुया. मुझे और आपको प्रभु ने नियुक्त किया है. ऐसे ही मैं और आप नहीं खड़े हो गए, मैं और आप ऐसे नहीं खड़े हो गए. मेरे प्रियो, मुझे और आपको यीशु मसीह ने नियुक्त किया है कि जाओ, उसको सुसमाचार सुनाओ, उसकी अनंत जीवन की बातों को सुनाओ. आज हमारा फर्ज है कि अनंत जीवन की बातें, स्वर्ग की बातें लोगों को सुनाएं, लोगों को बताएं. मेरे प्रियो, बड़ी खुशी होती है जब कोई ये कहता है, हम किसी से पूछते हैं, भाई आप प्रचार करेंगे? और वो तुरंत जवाब देता है, हाँ मैं करूंगा. बहन कहती है, हाँ मैं करूंगी. तो बहुत खुशी होती है. सच बता रहा हूँ, मुझे आपको, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, किसी और का अनुभव नहीं. मुझे बहुत आनंद होता है. मैं और मेरी पत्नी ये डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से. देखो, ये भाई और ये बहन एकदम तैयार रहता है जब इनसे कहो, क्योंकि मैंने ये बात को सीखा, जागते रहो और प्रार्थना करते. ये लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि समय और असमय तुम तैयार रहो. प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों से, जब वो ऊपर प्रभु अपने पिता से बात करने गया रात के समय में, जब उसका क्रूसिफिकेशन होना था, उस समय जब वो पकड़वाया जाना था, कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो. वो क्या करे, सो गए. उस समय वो जागना था उनको, प्रार्थना करने थी कि सामर्थ मिले. लेकिन नहीं मेरे प्रियो, दुनिया की बातों में, दुनिया के नींद उन पर गालिब थी बुरी तरीके से, और वो सो गए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज हमारा फर्ज है मेरे प्रियो कि हम लोग प्रभु के वचन को सुनाए. मैं सच कहता हूं, लोग कहते हैं अरे अभी हमारे पास समय नहीं है. लोग ये कह देते हैं कि अरे भैया मेरी अगुवाई नहीं हो रही. अरे प्रभु ने तो कहा, क्या बोलूं, बस प्रभु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो. उसने आज्ञा दी, जाओ और सुसमाचार सुनाओ. मैं और आप क्या कह रहे हैं, अभी मेरी अगुवाई नहीं हो रही है. अरे भैया तुम्हारी अगुवाई कब, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई नहीं कर रहा है. बड़ी अलग सी बात कहते हैं लोग. अरे प्रभु ने कहा हर समय तैयार हो, और मैं और आप क्या कह रहे हैं, अभी मेरी अगुवाई नहीं हो रही, अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा मेरा मनन करने का. प्रभु ने कहा जाओ और सुनो. मैं जैसा आदमी आपके सामने खड़ा हूं, मैं अपनी गवाही देता हूं मेरे प्रियो, कि मैं बोल नहीं सकता था और बता नहीं सकता था वचन को. आज प्रभु दिन में 3-4 जब चाहे जब इस्तेमाल कर. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. क्यों? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो उसके पास है. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. तो मुझे और आपको
कभी ये नहीं कहना है कि भाई अभी मेरे पास वक्त नहीं हो रहा या मेरी अगुवाई नहीं हो रही। अरे प्रभु ने अगुवाई तो प्रभु कर रहा है, हर समय उसने कह दिया कि जाओ और सुसमाचार सुनो। मैं और आप जो है कुछ नहीं कि अभी हमारी अगुवाई नहीं हो रही। तो इसलिए मुझे और आपको हमेशा तैयार रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्वर्गीय बातों पर जो वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, इस वचन के अंदर जो लिखा हुआ है उस पर हमें विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड, इन बातों पर विश्वास करना है। अब्राहम ने पक्का घर नहीं बनाया, वो कहता है पक्का घर तो मेरा कहाँ है, स्वर्ग में है। यस, स्वर्ग देश जाने की इच्छा रखता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11:9-16 में इसकी उत्तम बातों को लिखा है और परमेश्वर उससे बहुत खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी बातें हैं? इब्रानियों की पुस्तक 11:9-16 तक। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन की स्वर्ग की बातें करते हैं प्रभु, वो साबित करते हैं और हम स्वर्ग की खोज में हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। मुझे और आपको स्वर्ग की खोज में रहना है। यस, और सारी महिमा परमेश्वर को देनी है। सारी महिमा किसे देनी है? परमेश्वर को देनी है, किसी और को नहीं देनी मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर को देनी है। और देखिए, जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो ऐसा होगा कि वो मुझे और आपको बेटा और बेटी बनाए। हालेलुया, सच कह रहा हूं मैं, वचन में लिखा है। जो उसके वचन पे चलते हैं वो उसके संतान होने का अधिकार दिया उसने। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं दे दिया उसने। इस दुनिया में ज्यादा बातें ना करें मेरे प्रियो, ये दुनिया मुझे और आपको छोड़नी है, ये संसार मुझे और आपको छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सुबह और शाम हमें स्वर्गीय बातों में मन लगाना है, खुदा के वचन में मन लगाना और कहीं नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के साथ संगति में रहना है और ऐसा करने की परमेश्वर मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, आप लोगों को सामर्थ्य दे, अपनी दया में रखे, अपनी करुणा में रखे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखे और आशीष और बरकतों से परिपूर्ण रखे और आप स्वर्गीय बातों में लगे रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 पिता, एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर, आपने हम सबको संभाला पिता, अपने अनुग्रह में बनाया, अपने सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा। खुदावंद आपका धन्यवाद 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 देते पिता, धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा के प्रभु जी, आपने हमें आज अपनी योजना के तहत भरपूरी से इस्तेमाल किया, मैं आपका धन्यवाद देते पिता। आमीन। सच में खुदावंद यीशु मसीह, जब हम आपके प्रेम को जानते खुदावंद यीशु राजा, तो हम आपसे जुड़े रहेंगे खुदावंद, आपके आज्ञाकारी बने रहेंगे। और सत्य तभी हमें स्वतंत्र करेगा जब हम आप में बने रहेंगे, आपके वचन में बने रहेंगे, आपके चेले बनेंगे, तब जाके खुदावंद यीशु मसीह में सत्य को जान पाएंगे। हालेलुया। खुदावंद यीशु राजा, सबसे पहले आप वचन की बात करते हैं कि तुम मुझ में बने रहो। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, हम इसी तरह से प्रभु जी आपसे लिपटे रहे, आप में बने रहे, क्योंकि जैसा वचन में आज आपने सिखाया कि अनंत जीवन की बातें आपके पास है पिता, लेकिन खुदावंद हम जानते हुए भी हम आपके पास आना नहीं मांगते, बल्कि संसारिक अभिलाषाओं में फंस कर, उन्हीं अभिलाषाओं में फंस कर हम संसार के हो जाते हैं। जो संसार हमें कुछ नहीं दे सकता, उस संसार में अनंत जीवन नहीं, अनंत मृत्यु है। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जब हम आपके कलाम को सुने सीखें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, ताकि इन वचनों को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सके, इस पर चलने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते जितने भी भाई बहन इस समय
हमारे साथ जुड़े खुदावंद और आपके साथ आपकी संगति में बने पिता, हर एक एक को खुदावंद आप आशीषों से परिपूर्ण करना, सभी के परिवार पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो खुदावंद, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हम भाई बहन अकेले नहीं बल्कि प्रभु हम घराने समेत प्रभु आप से उद्धार पाने वाले प्रार्थना करते खुदावंद यीशु राजा कि पिता जितने भी दास दासी हैं सागर मसीह मंडली पेज पर आते पिता आप उनको बहुत आयत से आशीषित करिए खुदावंद, सच में खुदावंद यीशु मसीह आपने अपने बेटे बेटियों को अपने वचन की सेवकाई के लिए भरपूरी से आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावंद, हर एक का जीवन यीशु राजा वास्तविकता से खुदावंद यीशु मसीह आपके प्रेम से आपके वचन से भरा हो पिता, और जबकि पिता परमेश्वर आपने उन मजदूरों को चुन लिया पिता जो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए सेवाएं दे रहे हैं पिता, हर एक के आशीषित करिए पिता, और पिता परमेश्वर उन्हें दीजिए खुदावंद अपने स्वभाव को पिता परमेश्वर आपके स्वभाव में लाने वाले बन सके पिता, प्रार्थना करते खुदावंद यीशु राजा तमाम बीमारों के लिए खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना, विशेष तौर से प्रभु जी हम अपने बेटे को याद करते हैं बेटे रुबेन को, जो सिस्टर विनीता शालमोन जो दाऊद में रहती है उनके बेटे को प्रभु जी आप चंगाई देना पिता, जबकि आज उसकी कुछ समय पहले अचानक तबीयत खराब हुई और हाई फीवर हुआ, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं आप तो स्वर्गीय पिता है अपने बच्चे की देखभाल आप करते हैं खुदावंद, बस पिता परमेश्वर उस बेटे के माता पिता और परिवार जन आपके विश्वास में बने रहे, क्योंकि दुष्ट पिता परमेश्वर हर प्रकार से अपनी चाल को चलता है, जबकि इस बहन को आपके वचन का प्रचार करना था लेकिन 15 मिनट पहले ऐसी दुष्ट ने चाल चली, लेकिन खुदावंद आप अपनी उस बेटी को अपने वचन में बनाए रखिएगा ताकि पिता परमेश्वर उस सामर्थ को देखने पाए खुदावंद, उस आश्चर्य कर्म को देखने पाए कि उनका बेटा जल्द से जल्द पिता परमेश्वर फिर से उस चंगाई को प्राप्त कर सके, प्रार्थना विनती करते हैं पूरे परिवार को आपके चरणों में लाते हैं, हर एक को पिता परमेश्वर संभालने पिता, विशेष तौर से उन डॉक्टर्स को नर्सिस को जितने भी पिता परमेश्वर उसके ट्रीटमेंट हुए प्रभु जी ट्रीटमेंट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु जी आप सभी को बुद्धि ज्ञान देना, उस डॉक्टर को बुद्धि ज्ञान देना ताकि पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर से चंगाई मिलने वाले बन सके पिता, क्योंकि हमने पहले भी जाना पिता परमेश्वर के डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करता लेकिन पिता आप जीवन देते हैं खुदावंद, प्रभु जी अपने बेटे को प्रभु जी आप पूरी रीति से चंगाई देना पिता, और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं भाई जॉय के लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने बेटे पर भी पिता परमेश्वर अनुग्रह करना खुदावंद, हम जानते पिता परमेश्वर कि वो समय जल्द आने वाला है जब पिता परमेश्वर आपके बेटे के द्वारा गुवाही दी जाएगी खुदावंद, प्रार्थना करते पिता भाई सुधीर मालविया के लिए खुदावंद अपने बेटे को पूरी रीति से प्रभु जी आप चंगाई देना, ताकि पिता परमेश्वर जो गिफ्ट खुदावंद आपने उसने दिया है पिता परमेश्वर दुष्ट की हर चाल से खुदावंद यीशु मसीह वो मुक्त होने पाए पिता परमेश्वर, उसे लक हुए की दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम सुन के शरीर से निकालते, प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह आपका बेटा फिर से उसे नॉर्मल पोजीशन में आकर खुदावंद आपकी उस महिमा को कर सके पिता, प्रार्थना करते खुदावंद यीशु राजा भाई अरविंद डेनियल की खुदावंद कि प्रभु जी आप अपने बेटे को चंगाई दे रहे जबकि उनके शरीर में कमजोरी है पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स के द्वारा जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा पिता परमेश्वर खुदावंद आपसे प्रार्थना विनती करते प्रभु जी आपकी अगुवाई में होकर सारा कार्य होने पाए पिता, उस छोटे परिवार को पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा में रखना खुदावंद अनुग्रह करना पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी पिता परमेश्वर नौजवान बच्चे खुदावंद विशेष तौर से सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांग लेते हैं खुदावंद, ये बच्चे पिता परमेश्वर सही मार्ग पर चलने वाले पाए और सही मार्ग को जो पिता परमेश्वर वो मार्ग जो पिता आपकी ओर जाता पिता, हर एक जवानों को पिता परमेश्वर आप इतनी आशीष देना खुदावंद सामर्थ्य भरना अपनी बुद्धि देना ताकि पिता परमेश्वर वो दुष्ट की किसी भी चाल में ना आने पाए भरमाने ना पाए पिता, बल्कि पिता परमेश्वर वचन में बने रहे पिता, प्रार्थना करते खुदावंद ईश्वर राजा जितने भी बुजुर्ग हैं खुदावंद जिन परिवारों में सच में वो आशीष के कारण है पिता, प्रभु जी उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य देना संभालना खुदावंद, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन बहनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाते खुदावंद जो पिता परमेश्वर अपने
गर्भ के फल से वंचित है पिता, क्योंकि हम जानते हैं राजा गर्भ का फल आपकी ओर से मिलता है। आमीन। तमाम बहनों को पिता परमेश्वर आप आशीष देना, खुदावन उस गर्भ के फल से आशीषित कीजिएगा पिता। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासियां सेवक सेविकाएं हैं, जितने भी पासवान हैं, महायाजक धर्म महायाजक सभी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं पिता, कि आपकी सामर्थ से भर कर पिता परमेश्वर निडरता से खुदा आपके वचन को फैलाने वाले बन सके, और पिता परमेश्वर आपके सम्मार्ग को दर्शाने वाले बन सके, अपने भेड़ों की चरावाही पिता परमेश्वर आपके अगुवाई में करें पिता। प्रार्थना करते खुदावनेश्वर राजा उन लोगों के, जो पिता परमेश्वर जो आपके नाम को तो जानते हैं लेकिन पिता परमेश्वर वो इस बात को भूल गए कि पिता परमेश्वर अनंत जीवन की बातें आपके पास है खुदावन, लेकिन खुदावन वो दुष्ट की चाल में आकर वो संसार की ओर मुड़ चुके हैं खुदावन। प्रभु जी उन लोगों को भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं, ताकि खुदावन यीशु मसीह वो सही बात को सत्य को जाने पिता परमेश्वर, कि प्रभु यीशु मसीह आप सत्य हैं पिता परमेश्वर, और आपके पास उनके जीवन की सारी बातें प्रभु यीशु राजा आपके पास है पिता। प्रार्थना करते खुदावन आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा और सुबह का प्रकाश दिखाइए, ताकि पिता परमेश्वर एक बार फिर से पिता हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के वायु में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और कल की सूचना इस प्रकार से है कि कल ओके सिस्टर डॉली टेरेंस आपको प्रभु बहुतायत से आशीषित करे, और आज आपका जन्मदिन है, बर्थडे है, आपको प्रभु बहुतायत से आशीषित करे इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर, जबकि 15 अगस्त है, प्रभु का दिन है, और सच में ये बहुत आनंदित आनंद की बात है कि प्रभु ने आज का दिन आपको इस पवित्र दिन में दिखाया। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों से परिपूर्ण करे, आपके परिवार को प्रभु आशीषित करे। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं बहन डॉली के लिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी आपने अपने बेटी को नया वर्ष दिखाया खुदावन, इस आने वाले वर्ष में प्रभु जी आपकी बेटी आपके वचन में और भी अधिकाई से बढ़ने वाली बन सके पिता। प्रभु जी अपनी बेटी को उसके परिवार को पिता परमेश्वर आप आशीषित कीजिएगा, उस छोटे परिवार को पिता परमेश्वर अपने वचन में अपनी निकटता में दिन प्रतिदिन बढ़ाइएगा पिता। और पिछले वर्षों में प्रभु जी आपने संभाला पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, और उनके जीवन की हर जरूरतें पिता परमेश्वर आप भली भांति जानते हैं पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह आप ही उसे पूरा करने वाले हैं पिता। प्रभु जी अपनी बेटी को पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करना खुदावंद, प्रभु जी वो आत्मिक रूप से आप में और भी बढ़ने वाले पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। और कल का जो है 7 से 8 बजे एडवोकेट सिस्टर विनीता मैसी जो दिल्ली से हैं वो प्रभु के कलाम को बांटेंगी, और 9 से 10 बजे सिस्टर रेणुका सैलेस जो हर मंडे को रात 9 से 10 बजे प्रभु के कलाम को हमारे बीच में बांटती हैं। yes. हमारी इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा, और साथ ही साथ हमें भी अपनी प्रार्थना में उठाएं, और विशेष तौर से एक दूसरे को हम अपनी प्रार्थना में उठाएं। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष, जय मसीह की।